पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री हताश हो चुके हैं और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी उनसे परेशान हैं। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा और प्रदेश की 6 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कौन चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से पहले ही हथियार डाल चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं की गलतियों का दोष भाजपा को दे रहे हैं। एक सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के 6 बागी विधायक यदि भाजपा में शामिल होते हैं तो हाईकमान उनकी टिकटों पर विचार करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने के आरोप के साथ और खासतौर से विधानसभा में बजट सत्र में व्हिप जारी करने पर उसका उल्लंघन के चलते जो उन्होंने नोटिस जारी करके उनको निलंबित किया है, निलंबित नहीं उनको एक्सपेल किया, उनकी सदस्यता समाप्त की है। जिन लोगों ने हमारी पार्टी के लिए साथ दिया है उनके बारे में निश्चित रूप से हम अच्छा विचार करेंगे आने वाले समय में, और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस बारे में पार्टी का केंद्र का हमारा नेतृत्व तो तय कर रहा है निर्णय,